हेलो दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में जिसे पीने के बाद आपके बच्चे का दिमाग रातों रात हो जाएगा कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के दौर में हर पेरेंट्स अपने बच्चों का दिमाग तेज़ कैसे करें इस प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं। हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि उनका बच्चा अच्छे से स्टडीज़ करके एक कामयाब इंसान बन सके, लेकिन फ्रेंड्स आजकल ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका स्टडीज़ में ज़रा सा भी मन नहीं लगता है। यहाँ तक कि इन बच्चों का अपनी क्लास में बैठकर भी पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। जी हाँ, बच्चा कितनी भी कोशिश कर लें पढ़ने की, लेकिन फ्रेंड्स उसका ध्यान स्टडीज़ में नहीं रहता है। इस वजह से बच्चा अपनी स्कूल टीचर्स और साथी फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स की नफरत का पात्र भी बन जाता है। ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे का भी पढ़ने में मन नहीं लगता है तो अब आपको इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पीने से बच्चों का माइंड इतना ज़्यादा शार्प हो जाएगा कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत फास्ट हो जाएगा, साथ ही अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। सबसे पहला ड्रिंक है फ्रेंड्स, अनार का जूस। जी हाँ, अनार मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर फल है। यह आपके बच्चों के पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अनार में भारी मात्रा में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन ए, सी और साथ ही ई, फोलिक एसिड और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके मानसिक विकास या फिर ग्रोथ भी करते हैं। जी हाँ, अनार में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, जो बच्चे नियमित रूप से अनार के जूस का सेवन करते हैं उनका दिमाग काफ़ी तेज़ होता है। इसीलिए अगर आपके बच्चे का दिमाग भी तेज़ नहीं है तो ऐसे में आप अनार का जूस ज़रूर पिलाएं। एलोवेरा जूस है काम की चीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, एलोवेरा को अगर धरती का अमरूद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि एलोवेरा में इतने सारे गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमें इंटरनली फिट रखने के साथ ही बाहरी रूप से भी फिट रखता है। जी हाँ, एलोवेरा में 10 तरह के विटामिन, 30 टाइप्स के एंजाइम्स और साथ ही काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये सभी चीज़ें बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। एलोवेरा का जूस पीने वाले बच्चों की मेमोरी बहुत तेज़ होती है। जिन बच्चों को भूलने की बीमारी होती है उनके लिए भी एलोवेरा का जूस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि फ्रेंड्स एलोवेरा का जूस का स्वाद बहुत अजीब होता है और ये अक्सर बच्चों को पसंद नहीं आता है। इसलिए जब भी आप इसे बनाएं इसमें थोड़ा सा अमरूद या फिर लीची को भी मिक्स कीजिए, बच्चे बहुत शौक से पियेंगे। दिमाग तेज़ करने के लिए लाजवाब है चुकंदर का जूस, यानी कि फ्रेंड्स बीटरूट जूस। जी हाँ, चुकंदर का जूस बच्चों में मेंटल ग्रोथ बढ़ाने के साथ ही कई अन्य तरह से भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चुकंदर के जूस से त्वचा पर निखार तो आता ही है, साथ ही चुकंदर का जूस दिमाग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इससे दिमाग की सेल्स मजबूत होती हैं, जिसके चलते फ्रेंड्स बच्चों का IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। ये जूस हमारे ब्रेन तक जाने वाले रक्त प्रवाह को भी तेज़ करता है और साथ ही साथ शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है। इसलिए आप अपने बच्चे को बीटरूट जूस ज़रूर पिलाएं, इससे उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगा। बच्चों को पिलाएं बादाम शेक। दूध में बादाम डालकर पीने से भी दिमाग की ताकत बढ़ती है। फ्रेंड्स इसमें प्रोटीन और साथ ही डोपामाइन होता है जो कि मेमोरी पावर बढ़ाने में हेल्प करता है। इसलिए अपने बच्चे को बादाम शेक ज़रूर पिलाएं, साथ ही आप अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूर खिलाएं। जी हाँ, बच्चों को सूखे मेवे खिलाने से भी उनके दिमाग का विकास या फिर ग्रोथ बढ़ जाता है, और आप चाहें तो बच्चे को दूध में भी ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर दे सकते हैं, जिससे कि फ्रेंड्स आपको बच्चे के शारीरिक विकास के साथ ही दिमागी रूप से भी विकास में मदद मिल जाए। और आप चाहें तो बच्चों को रात के समय बादाम भिगोकर रखिए और सुबह बच्चों को उसका सेवन कराएं, यह बच्चों के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, आप सेब और साथ ही आलू बुखारे का करवाएं सेवन। जी हाँ फ्रेंड्स, इन दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि भूलने की बीमारी को बच्चों में पैदा होने नहीं देते हैं। इसे आप बच्चों को रोज़ाना स्कूल को ले जाने के लिए भी दे सकते हैं। साथ ही सेब शरीर में ब्लड की मात्रा को भी बढ़ाता है और इससे बच्चे की याद करने की पावर में भी इजाफा होता है। इसीलिए बच्चों को नियमित रूप से एक सेब खाने की आदत रोज़ डालिए और साथ ही उसे आलू बुखारा भी ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे को स्ट्रॉबेरी और साथ ही
ब्लूबेरी का सेवन करवाएं। जी हाँ, इन दोनों तरह के बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके बच्चे के माइंड को शार्प बनाएंगे, इसीलिए आप अपने बच्चे को इसका सेवन जरूर करवाएं, जिससे कि बच्चे का दिमागी रूप से विकास बिल्कुल सही हो सके। नेक्स्ट, आप टमाटर का जूस पिलाएं। टमाटर के जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स और साथ ही लाइकोपीन होता है जो कि याददाश्त को बढ़ाता है, जिससे कि फ्रेंड्स आपके बच्चे की याद करने की पावर बढ़ेगी और साथ ही उसका माइंड भी शार्प होगा। नेक्स्ट, आप सोयाबीन और साथ ही पालक का सेवन करवाएं। सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन नामक हार्मोन और साथ ही विटामिन बी होता है, इसीलिए फ्रेंड्स सोयाबीन से बने पकवान खाने से याददाश्त बढ़ती हैं और साथ ही दिमागी कमजोरी भी दूर हो जाती हैं, इसीलिए हफ्ते में 2 से 3 बार सोयाबीन का सेवन ज़रूर करवाएं। और साथ ही पालक शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के साथ ही याददाश्त बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी, ई और साथ ही कई सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फ्रेंड दिमाग को तेज़ बनाते हैं और साथ ही बच्चे को कभी भी बीमार भी नहीं होने देते हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को सोयाबीन और साथ ही पालक का सेवन ज़रूर करवाएं। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी फूड्स है। नेक्स्ट, आप अपने बच्चे को करवाएं अंडे का सेवन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऐसे में आप अपने बच्चे को अंडे जरूर खिलाएं, क्योंकि इसमें ढेर सारे विटामिन और साथ ही दूसरे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसका सेवन करने से दिमाग में सेल्स का विकास होता है और दिमाग में जितने भी ज्यादा सेल्स होते हैं बच्चे का दिमाग उतनी ही तेजी से बढ़ता है और ये बच्चों की मेमोरी को भी तेज करता है। और साथ ही फ्रेंड्स, अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन की वजह से आपका बच्चा फिजिकल रूप से भी काफ़ी ज़्यादा फिट रहेगा, इसीलिए आप अपने बच्चे को अंडे ज़रूर खिलाएं। नेक्स्ट, आप बच्चे को मछली का सेवन करवाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप अपने बच्चे को नॉनवेज खिलाते हैं तो आप अपने बच्चे का मछली का सेवन ज़रूर करवाएं, क्योंकि फ्रेंड्स मछली में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी और साथ ही ओमेगा 3 होता है जो कि दिमाग को भूलने की बीमारी से बचाता है और बच्चे की याद करने की पावर को भी बढ़ाता है। और बच्चों के लिए सार्डिन, सैल्मन और साथ ही ट्यूना फिश बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बच्चे के दिमाग को विकसित करने के मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए आप अपने बच्चे को इस तरह की मछली ज़रूर खिलाएं। सबसे लास्ट में, आप शारीरिक और साथ ही मानसिक विकास के लिए दूध पिलाएं और साथ ही दही भी खिलाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए दूध बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके फ्रेंड्स बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा दूध और दूध से बनी चीज़ों का नियमित सेवन कराने से बच्चों का दिमाग तेज़ या फिर शार्प किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे को दही का सेवन भी करवाएं। जी हाँ, फुल फैट दही हमारे ब्रेन सेल्स को लचीला बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि फ्रेंड्स ये बच्चों के दिमाग को सिग्नल्स देने और साथ ही उस पर तुरंत रिएक्ट करने की एबिलिटी को बढ़ाता है। इसके कारण बच्चा बहुत जल्दी बातों को समझ जाता है, इसीलिए नियमित रूप से दिन के समय बच्चों को दही का सेवन करवाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स रात के समय दही बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए आप दिन के समय अपने बच्चे को दही ज़रूर खिलाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे रातों रात बच्चों का दिमाग तेज़ करने के लिए कुछ हेल्दी ड्रिंक्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प हो तो ऐसे में आप उसको इस ड्रिंक्स का ज़रूर सेवन करवाएं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।